जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति दिखाने के लिए किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल के अंदर। किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल की प्रिंसिपल विशाखा मैडम ने हमें बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे एडवोकेट रविंदर और चीफ गेस्ट रहे यहाँ पर टिंकू कुमार वर्मा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम प्रीति कुमारी ने हमें जानकारी दी कि सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मंजू मैडम भी इस कार्यक्रम में आई, साथ ही लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रिंसिपल कंचन झा, उषा गर्ग ओम विहार स्कूल की कोऑर्डिनेटर हैं और सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल से संदीप कुमार, कल्पना मैडम, एमडी मुरारी सर और अमेरिका से पंडित जी भी इस कार्यक्रम का आकर के हिस्सा बने। कार्यक्रम में बच्चों की नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ प्रस्तुति दे रहे थे उनके माता पिता अभिभावक भी इस कार्यक्रम में आए हुए थे। सभी ने इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा और उन्होंने कहा अजय भारत मीडिया के साथ बात करते हुए, माता पिता से जब अजय भारत मीडिया की बात हुई तो उन्होंने कहा कि किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल जैसा कोई स्कूल नहीं है, हमें गर्व है कि हमारे बच्चे किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल में और साथ ही उसके बाद में सिद्धार्थ इंटरनेशनल और सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के अंदर भी पढ़ते हैं। उन्होंने स्कूल की जमकर तारीफ की और कहा कि वास्तव में शिक्षा को जब लोग दूसरे व्यापार बना रहे हैं, वहीं शिक्षा को इन्होंने भगवान बना दिया है और यहाँ पर वास्तव में इस बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। देखिए एक खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हेमा जोशी, किस कॉर्नर प्ले स्कूल में आप आए हैं, क्या आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है? हाँ। कौन से स्टैंडर्ड में? अभी वो मैंने पहले से एक महीने के लिए पहले प्ले में उसका एडमिशन करवाया था, मुझे उसका प्रोग्रेस अच्छा लगा तो मैंने उसको एक महीने बाद जस्ट नर्सरी में उसका मतलब से जंप करवा दिया। हाँ, उसका प्रोग्रेस अच्छा देख के कि पढ़ने में अच्छा है इसीलिए, और फिर यहाँ के मैम लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर रही थी, घर में भी मैं सपोर्ट कर रही थी अपने बच्चे को, तो मुझे लगा वो अच्छा है पढ़ने में, तो मैंने उसे एक क्लास जंप करवा दिया और नर्सरी में उसका एडमिशन करवा दिया। और पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मुझे अच्छा लगा, पर मैं चाहती हूँ कि मैम के ऊपर ज़्यादा फोर्स ना करके आप भी अपने बच्चे को घर में भी पढ़ाएं। हाँ, और घर पे भी आप उस पर ध्यान दें, जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसे घर में जाकर दोबारा रिवाइज करें, इससे आपका बच्चा थोड़ा एकदम मतलब मैडम के ऊपर डिपेंड ना होके अपने आप सेल्फ डिपेंड बनेगा, आगे से खुद भी पढ़ने की कोशिश करेगा, मैम के ऊपर ही डिपेंड ना रहेगा। सर, मुझे तो अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल ऐसा ही रहे जहाँ मतलब पेरेंट्स को भी कुछ कहने का मौका मिलता है, उनसे आगे होके पूछा जाता है। भाई, मैंने एक बार पेरेंट्स मीटिंग, वैसे मैं मिस करती नहीं हूँ, लेकिन एक बार अपने कुछ इशू आ गए थे तो मैम ने मुझे पर्सनली कॉल करके बुलाया कि आप क्यों नहीं आ पाए। तो मतलब ऐसा सारा स्कूल होना चाहिए जो आगे होके पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, आपका बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल मेन मैम है उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आपका बच्चा कैसा है पढ़ाई में, हमारे स्कूल वालों की तरफ से कोई कंप्लेन है या नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे ऐसे ही स्कूल में रहें। वंदना देवी मैम, आपका बच्चा किस प्ले स्कूल के अंदर आपने दिया हुआ है? किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल के अंदर। मैम, कब से पढ़ा रहे हैं आप इसे? एक दो साल हो गए, दूसरी साल है ये। कैसी प्रोग्रेस लगती है आपको बच्चे में और क्या कहेंगे आप स्कूल के बारे में? अच्छा है, अच्छा लगता है, पढ़ता है बच्चा, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं और एक्टिविटी भी अच्छे से करवाते हैं। हाँ, तो हमें तो सब सही लगता है, अभी कोई कंप्लेंट नहीं मिलती बच्चे की तरफ से। तो जब आपने बच्चा अपना स्कूल में एडमिशन कराया और आज तक दो साल जैसे आपने बताया, तो बाकी स्कूल के जो बच्चे और आपके बच्चे में कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं? अभी बाकी बच्चों को तो हम क्या ही बता सकते हैं, पर अपने बच्चों को बता सकते हैं, सही पढ़ाई होती है, आपको संतुष्टि है? हाँ, सही है। बाकी माता पिताओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपने माध्यम से? माता पिता और जो माता पिता है वो किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल, अच्छा अच्छा, बच्चों को पढ़ाएं, उनके लिए क्या मैसेज आप देंगे? नहीं, मेरी तरफ से तो पढ़ाएं, किड्स कॉर्नर अच्छा स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और अभी तो फिलहाल सब सही है। धन्यवाद।
नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। और सर आपका कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? मेरी एक बेटी है जो पढ़ती है यहाँ पर। अभी किस स्टैंडर्ड में है सर? अभी तो प्री नर्सरी में ही है। आपने जब इस स्कूल को चुना किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल को, तो बाकी स्कूल में स्कूल में क्या फर्क महसूस करते हैं? यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है और टीचर्स का भी बिहेवियर बच्चों के प्रति काफी अच्छा है, यही सोच के मैंने चुना था इस स्कूल को। बाकी लोगों के लिए क्या रिकमेंडेशन होगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर लोगों के लिए तो यही मैसेज है कि अगर उनके यहाँ बच्चे हैं तो वो इस स्कूल को एक बार जरूर लाएं, यहाँ पर एडमिशन कराएं और बच्चों को अच्छे फ्यूचर के लिए आगे। मामले में अगर देखा जाए तो बाकी उससे अगर आप तुलना करें तो कैसा लगता है आपको? फीस काफी हर तरीके का आदमी यहाँ अगर फीस ले दे सकता है, और बहुत से स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा होती है जो हर तरीके का गार्जियन नहीं दे पाते हैं, तो उससे अच्छा ये स्कूल है कि कम से कम कम फीस में अच्छी पढ़ाई हो रही है और हर तरीके का व्यक्ति इस यहाँ पर एडमिशन ले दे सकता है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं यहीं रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, और मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड से, और मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है अभी नर्सरी, यही किड्स कॉर्नर नर्सरी में पढ़ता है। मैम आपने जब बाकी स्कूलों को भी सर्च किया होगा, तो बाकी स्कूल में किड्स कॉर्नर में क्या फर्क महसूस? यहाँ ये हुआ कि यहाँ पे टीचर जो है बच्चों को थोड़ा ध्यान देती है, उनको पढ़ाई के ऊपर, खेल कूद के ऊपर, काफी अच्छा लगा मुझे स्कूल में। कई स्कूल में मुझे अच्छा नहीं लगा, और यहाँ अच्छा लगा। कम बच्चे हैं और ज्यादा बच्चे भी नहीं है कि खूब भीड़ है, भीड़ बच्चों में ना बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, और अपने बजट के हिसाब से कि ये स्कूल हमारे लिए सही है। तो बच्चा जब घर जाता है क्या बातें करता है स्कूल के बारे में? हाँ, स्कूल की बातें काफी सारे करता है। मेरे बच्चे अभी एक साल नहीं हुआ, मेरे बच्चे को काफी उस पर बदलाव आया है, और अभी तो 6-7 महीने हुए, इतना बदलाव आ चुका है कि अभी तो और पढ़ेगा, अभी और देखने को मुझे मिलेगा। बाकी माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या रिकमेंडेशन करेंगे? नहीं, आइए देखिए स्कूल को, सारे टीचर से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो भेजिए अपने स्कूल, अच्छा है। अगर जिसका बजट कम है वो भी पढ़ा सकता है, अगर आपके 2 से 3 बच्चा पढ़ता है तो एक बच्चे की फीस भी माफ है, तो उनके लिए और अच्छा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रवि शर्मा है। आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? मेरा बच्चा किस स्कूल में डालोगे? सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल। सर बच्चे को जो आपने एडमिशन दिलाया, तो बाकी स्कूल भी सर्च किए होंगे, क्या फर्क देखे? बहुत इम्प्रूवमेंट देखा हमने उसमें, बहुत एक्टिविटी करते हैं, और सबसे बड़ी चीज है स्कूल का स्टाफ बहुत केयरिंग है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और इन फ्यूचर बहुत बढ़िया, हम तो कंटिन्यूस स्कूल के साथ जुड़े रहेंगे, दूसरी स्कूल हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं। मैं भी यही कहना चाहूंगा और भी लोगों को, आप आओ अपने बच्चों को भेजो यहाँ पे, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे स्टडी किस तरह से कराते हैं। मेरा नाम स्नेहलता है। मेरे 2 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, एक किड्स कॉर्नर में है और एक सिद्धार्था में है। कितने फर्क महसूस करते हैं अपने बच्चे में और बाकी बच्चों को जो आप दूसरे स्कूलों को देखते हो? मेरे तो दोनों बच्चे ही हर वक्त टॉप ही आते हैं, मुझे तो बहुत ही मतलब अच्छा महसूस होता है, और वही है कि बच्चों को स्कूल से ज्यादा अपने घर वालों को भी ध्यान देना होता है, केवल स्कूल के भरोसे रहने से तो नहीं होगा। बस मुझे तो बहुत मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू। प्रियंका है मेरा नाम। लो तो एक बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, LKG में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे को एडमिशन कराएगा उसमें आपने भी सर्च किया, बाकी स्कूल कितना फर्क महसूस करते हैं बच्चे में और स्कूल के अंदर आपने जो फर्क किया था? एक साल से तो मेरा बच्चा यहाँ पर स्टडी कर रहा है, पर मेरे बच्चे से जो देख रहा हूँ बहुत इम्प्रूव हुआ है, और हर चीज़ में एक्टिविटी देता है वो। कितना रिकमेंड करेंगे किड्स के और मैं स्कूल को बाकी पेरेंट्स को? हाँ, बस मेरे बच्चे से जो देख रहा हूँ इम्प्रूव हो रहा है, तो हर
की तब मैं मतलब वो बोलूँगी कि वो भी यहाँ पर एडमिशन करवाए और उन बच्चे भी ऐसे भी कुछ इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा। फीस के हिसाब से तो इतना भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी रेशन नहीं होता है कि हर पिता माता नहीं दे पाएंगे। जी मेरा नाम आकांक्षा श्रीवास्तव है। कब से आपका बच्चा पढ़ रहा है यहाँ? 1 ईयर से LKG में है उसका। स्कूल का नाम बताइए। किस कॉर्नर। बच्चों में कितना फर्क देखते हैं जब आपने एडमिशन कराया था उस समय और आज के समय में? बहुत फर्क है और मेरी बेटी काफी इम्प्रूव कर गई है जब से यहाँ से उसका एडमिशन हुआ है। उसको लिखने पढ़ने में मैथ सारे मैम लोग रेडी, होमवर्क सारा कुछ इम्प्रूवमेंट में रहता है उसका। बच्चा अपनी खुशी हाँ वो उसको आता है, मैम लोग सारा कुछ उसको बताती है कि मैम ने बता दिया है और वो घर पे करती है, खुद से करती है। बाकी माता पिता को पेरेंट्स को रिकमेंडेशन क्या करेंगे आपकी किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल? जी किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अभी जिसमें मेरा बच्चा पढ़ता है उस हिसाब से बता रहे हैं और यहाँ की फीस सब कुछ इतना है कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा फीस का कि ये चीज़ें मैनेज करें कैसे मैनेज करें। में इतना फीस का हो जाता है कि पेरेंट्स को बहुत हेडेक हो जाता है कैसे मैनेज होगा सब कुछ, लेकिन इस स्कूल में सब कुछ मैनेज हो जाएगा आपका। मेरा नाम संजीव कुमार झा है। और यहाँ आज आप आए हैं किड्स कॉर्नर स्कूल में, तो यहाँ पर आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे एक ही बच्चे पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। तो कैसा इम्प्रूवमेंट? मैं फर्स्ट टाइम जब स्कूल के बारे में आया था, जब एडमिशन से पहले मैं जस्ट पूछने आया था कि स्कूल अभी नया नया खुला है, लेकिन मैंने देखा जो एक साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेरा बच्चा फर्स्ट भी आया है। और तो बाकी बच्चे हैं जो आपके आस पड़ोस में, और मैं रिकमेंड करूंगा हर एक गार्जियन को जो भी बच्चे हैं उनको मैं यहाँ भेजने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा एजुकेशन है, केयरिंग है, मैडम भी अच्छी हैं और आज प्रिंसिपल से भी मेरी मुलाकात हुई है, आज पहली बार मैं आया। और इसी तरह से यदि बच्चों का यदि फ्यूचर इससे अच्छा बेहतर होगा तो सभी माँ बाप चाहेंगे इस स्कूल में अपना एडमिशन करवाएं। और मैं सभी अपने दिल्ली के जितने साथी हैं उनको यहाँ रिकमेंड करूँगा बच्चों को भेजने के लिए। मेरा नाम कुमारी चांदनी है। मैम आपके बच्चा स्कूल में पढ़ता है जी, कितने अपने बच्चे में और बाकी बाहर के बच्चे में? ये तो मतलब फर्क तो काफ़ी है, पहले मैं गवर्नमेंट में डाल रखी थी लेकिन जब से यहाँ मतलब जिससे मैं सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में डाली हूँ काफ़ी कुछ खर्च है फर्क। फोर्थ क्लास लीजिए। फोर्थ क्लास। कौन क्लास? फर्स्ट। हाँ फर्स्ट लीजिए। मुझे मतलब हाँ बातचीत करने का पढ़ने मतलब हर चीज़ में है सा फर्क है। ये तो रही एजुकेशन की बात, अगर हम बात करें कि बाकी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं तो जैसे आप ध्यान देते हैं तो क्या आप उतना ध्यान देते हैं जैसा बाकी के भी कई बार दिखाते हैं ना, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चे पे, डांटना पड़ता है, मिठाई भी कर देते हैं, तो आप वो तो करना पड़ता है। तो बच्चे का आज के समय में मोबाइल ऐसा है कि उसको कितना पढ़े लिखे समझदार हुआ तो उसके पीछे मोबाइल के पीछे भागते भागते हैं, कभी वो डांट लगा देना ही पड़ता है बच्चे को। बाकी पेरेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप बच्चे को सिद्धार्थ में एडमिशन कराएं? वो कहेंगे जैसे हमने भी डलवाया वैसे आप भी आप लोग भी डलवाएं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्कूल है। शुभनाम आज जो स्कूल में एनुअल डे मनाया गया इसके बारे में? मैं संदीप कुमार सिद्धार्थ स्कूल के चेयरमैन, मैं एनुअल डे बच्चों को पूरे साल कंप्लीट होने पे एनुअल डे मनाया जाता है और बच्चों को हर कला के हमारे स्कूल लेके जाते हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो या डांस के माध्यम से हो, सिंगिंग के माध्यम से हो, स्टडी के माध्यम से। हर बच्चा का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे किसके पीछे मेरा भविष्य है, तो एक लक्ष्य में जरूर उतरना चाहिए। मेरा यही संदेश है कि बच्चा को कला है, ये मिट्टी के बने हुए हैं घर, इनको मिट्टी के हैं ये, जिधर आप ढालोगे उधर ढल जाएगा। तो मेरा ये संदेह है हर माता पिता बच्चों को ये प्रोत्साहन न करे कि तुम्हें बेटा साइंस ही लेना है, अगर उस बच्चे को आर्ट्स में ही भविष्य बन रहा है, IAS बन रहा है तो उसे आर्ट्स लेने दे। अपने आप को स्टेटमेंट मत देखे कि मेरा तो इज्जत डाउन हो जाएगा तू अगर साइंस ले रहे, और जब उस बच्चे को उस आर्ट्स के बारे में नॉलेज अच्छी है तो आर्ट्स लेने दो, मेरी ये सोच है। कॉमर्स के बच्चे तो कॉमर्स लेने दो, साइंस के बच्चे तो साइंस नॉलेज लेने दो, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स का। मैं अपना बताता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स प्लस मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैं मुझे नहीं लगता कि मैं हर फील्ड में सबसे अच्छा हूँ, चाहे मुझे 10th तक कोई भी सब्जेक्ट ले लो। तो सबसे अपने एक लक्ष्य होना चाहिए बच्चों को कि हमें किस फील्ड में उतरना है। तो माता पिता अपने बच्चों पर बर्डन न डालें जबकि उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो अभी एग्जाम स्टार्ट भी हो रहे हैं बच्चों के, तो ऐसे में माता पिता को बच्चों के प्रति क्या जवाबदेही होनी चाहिए? बच्चों को कभी, जब आप पूरे साल बच्चों पे ध्यान नहीं दिए, अगर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। उनको बच्चे को ये कहे कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने इतना दिन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, दो चार दिन पढ़ ले, क्या पता तू पास हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जो बच्चा पढ़ता है वही फेल होता है। और जो हमारे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे पेरेंट्स 10 मिनट भी अब भी ध्यान देते बच्चों पे, तो हमारे लगता ही नहीं है कि मुझे कोई बच्चे, जितना मत टीचर मेहनती है, कर्मठ योग्य अध्यापक है, वो कभी बच्चों को फेल नहीं होने देंगे। मेरा ये विश्वास है कि जब 6 घंटे बच्चों के हमारे पास रहते, तो माँ बाप के पास नहीं भी रहे, तभी भी हमारे बच्चे पास हो जाएंगे। शुभ नाम। आज किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल में एनुअल डे मनाया गया, छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं प्रीति कुमारी सिद्धार्थ किड्स कॉर्नर की डायरेक्टर। मैं इस एनुअल डे के छोटे छोटे कल्चर एक्टिविटी का ये संदेश दूंगी कि मेरी स्टाफ जितनी अच्छी है उतनी छाप मेरे बच्चों में छोड़ दी। बच्चे बिल्कुल होपलेस नहीं हो रहे थे प्रोग्राम में, काफी अच्छा किया। बच्चे जो होते हैं, जो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, फाउंडेशन से माना जाता है कि बच्चों का भविष्य उस नींव पे टिका हुआ है, माता पिता को क्या करना चाहिए प्ले स्कूल को चूज करने के लिए? प्ले स्कूल के चूज करने के लिए पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं देना चाहिए। स्कूल देख करके जो गेम करे, बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए कि इनको ABCD और काउंटिंग क्यों नहीं दिया जा रहा। बच्चों को गेम के द्वारा, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाने के लिए स्कूल को संदेश देना चाहिए पेरेंट्स को, और ऐसे विद्यालय में एडमिशन कराना चाहिए। आज प्ले स्कूल को देखते हुए कई लोग जो है इसको कमाई का साधन बनाते हैं, और छोटे-छोटे प्ले स्कूल खोल चुके हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ भी करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? लोगों को ऐसा ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, विद्यालय को जांच पड़ताल करके एडमिशन ले, जो नेशनल ID जनरेट करे बच्चों के लिए, जो अभी नेशनल कोड दिया गया है स्टूडेंट ID की तरह, जैसे आधार नंबर है, वो स्कूल देता है या नहीं देता है, उस विद्यालय में एडमिशन कराए, न कि अनऑथराइज विद्यालय में एडमिशन कराए। आपके प्ले स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराए, ऐसे माता पिताओं के लिए क्या मैसेज और क्या फैसिलिटी आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे? पेरेंट्स के लिए फैसिलिटी, बच्चों के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेस्ट टीचर और एडमिशन फ्री, नॉट एनुअल चार्ज, नॉट रजिस्ट्रेशन, 200 एडमिशन फ्री। मेरा नाम विशाखा है, मैं किड्स कॉर्नर की प्रिंसिपल हूँ। मैम आज आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, इसके लिए तो आपको पहले शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। मैम बच्चों को निखारने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ कहिए? मैम एक्चुअली मेरा जो मोटिव है, मैं पढ़ाती किस तरीके से हूँ या मैं बच्चों टीचर्स को कैसे बताती हूँ बच्चों को करवाने के लिए, उसमें मैं बच्चों के वर्क, नोटबुक वर्क से ज्यादा मैं कंसंट्रेट करती हूँ उनकी एक्टिविटीज पे। तो मेरा मेन फोकस होता है एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना बच्चों को। मैं स्टडीज में जो लिखवाने के लिए पेन पेंसिल से जो ए बनाने से पहले मैं उनको उसकी रिकॉग्नाइजेशन सिखाती हूँ कि उसको पहचाने वो पहले कि ए एक्चुअली होता कैसा है, दिखता कैसा है। अगर ए फॉर एप्पल है तो वो एप्पल को देख के बताए कि इसका अल्फाबेट कौन है। तो मेरा मेन फोकस होता है कि एक्टिविटी पे ध्यान दें। कुछ पेरेंट्स अभी जो पुराने हिसाब को देखते हैं, जैसे कि आपको काखना क्यों नहीं दिया या ABCD नहीं दी है, तो पेरेंट्स को क्या समझाना चाहिए? मैम एक्चुअली मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि सर बच्चे अभी छोटे हैं, उन पे प्रेशर ना दे। जैसे कि अभी हमारी जो नई एजुकेशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटीज के ही थ्रू पढ़ाना है, तो हम उसी पे फोकस करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, हमें सहयोग दें। पेरेंट्स के पास कई बार समय की कमी होती है, बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसे में बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को क्या करना चाहिए? जो पेरेंट्स जैसे बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के लिए समय निकालें। पहले तो आप अपने बच्चों को जो स्कूल, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जॉब पे ही रहते हैं पूरे पूरे दिन, बच्चे उनके घर पे है या फिर वो शिशु पालन या इन तरीके की जगह पे छोड़ देते हैं बच्चों को। तो इसलिए मैं उनसे विनती करूंगी कि प्लीज आप लोग बच्चों पे अपने ध्यान दें, अभी उनका भविष्य बनने के लिए, अभी वो तैयार हो रहे हैं, हमारे कल का भविष्य है वो, तो इसलिए मैं उनसे विनती करूंगी कि वो ध्यान दें। मेरा शुभ नाम मंजू सिंह है, मैं सिद्धार्थ स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैम जैसे कि आप सिद्धार्थ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आज के समय में बच्चे जो युवा हैं वो कई बार पढ़ाई से भटक जाते हैं और दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, दूसरे कार्यों में लग जाते हैं, क्या संदेश देंगे कि पढ़ाई से भटके हैं? सर मैं इसके लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि जो बच्चे हमारे युवा एज में जाते हैं तो उनकी यही उम्र होती है कि वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, तो हमें
उनके लिए यही संदेश है और उनके पेरेंट्स के लिए कि वो इन चीज़ों को बच्चों के ऊपर मतलब जैसे प्रेशर ना डाले, उनको मारे पीटे नहीं, उनको थोड़ा प्यार से उन्हें हैंडल करें, उन्हें समझाए चीज़ों को कि आज के समय में हमें उन बच्चों के साथ तो चलना ही है, क्योंकि जो हमारा थोड़ा पहले का हमारा ज़माना था वो अलग था, हमारे जो बुजुर्ग थे उनका भी अलग था, और जो अब हमारी हमारे आगे की जो पीढ़ी है उनका हमसे बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे बच्चों को हम डांट डपट के तो नहीं समझा सकते हैं, उनको अगर हम वो हम अगर गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, पढ़ाई से अगर भटक रहे हैं, तो उनको हम मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, उनको हम ऐसे बोलेंगे, प्यार से उन्हें हैंडल करेंगे, उनको उन चीज़ों की अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों के बारे में बताएंगे कि उससे आपके ऊपर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा पड़ेगा। और बच्चे की भटकने की आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सब चीज़ों से बच्चे भटक जाते हैं। हम क्या जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि आजकल 10 में से कम 2 को छोड़ के 8 तो वर्किंग ही हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों को वो ध्यान नहीं दे पा रहे। तो कुछ थोड़ा सा ये भी होता है कि इस वजह से बच्चे भटक जाते हैं, हमने मोबाइल दे दिया, आप अगर हम बाहर जा रहे तो मोबाइल रख लो अपने पास, बच्चों को बोल देते हैं ना कि कॉन्टेक्ट रखना हमारे से, तो बच्चे वो कॉन्टेक्ट ना रखे, बहुत सारी गलत चीज़ें भी मोबाइल से ही सीखते हैं। ये नहीं कि मोबाइल गलत है, लेकिन मोबाइल से बच्चे अच्छी चीज़ें कम सीखते हैं और गलत चीज़ें, तो बच्चों का भी इसमें कोई दोष नहीं दे सकते। आजकल की जनरेशन ही ऐसी है कि देख के कुछ चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं उसको गलत भी ले रहे हैं, और कुछ बच्चे जो 10 में से अच्छे बच्चे भी हैं 2 जो चीज़ों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। हम कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिमांडिंग हो जाते हैं दूसरे बच्चों के गैदर्स को देखकर, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन बच्चों को मैं यही कहूंगी कि वो हमें दूसरे बच्चों को देख के बिल्कुल डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबकी अलग अलग है, सबके पेरेंट्स अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग है, तो हम अपनी परिस्थितियों को लेके चले, और ये तभी संभव हो जब हम पेरेंट्स अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दें, तभी बच्चे अच्छा और बुरा समझ पाएंगे। मैं टिंकू कुमार वर्मा, फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट YSS भारत एंड डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट BJP गुरुग्राम। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ किड्स कॉर्नर प्ले स्कूल के प्रिंसिपल, चेयरमैन सिद्धार्थ स्कूल की चेयरमैन प्रीति मैडम, सिद्धार्थ स्कूल के MD संदीप सर, और यहाँ की प्रिंसिपल विशाखा मैम, मंजू मैम, इन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने बेहतर कम समय में और बेहतर प्रयास किया, बहुत ही अच्छी बच्चों की परफॉर्मेंस मैंने यहाँ देखी। उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ था, उनके अंदर जो खूबियाँ थी, उनको निकाल कर लेकर आए और मंच पर उन्हें अच्छे से प्रदर्शित किया। यही चीज है जो बच्चों को आगे की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। जो बच्चा छोटी क्लास से ही बच्चा मंच पर जाता है तो आगे की ओर प्रेरित होता है। दूसरी चीज, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ वेल क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा स्टाफ है, और बेहतर तरीके से बच्चों को लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से प्रयास रहता है इनका कि बच्चों को अच्छा माहौल और अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आज स्कूल को 1 वर्ष हो गया इसको, इसके लिए मैं प्रीति मैडम, संदीप सर, कल्पना मैडम, कंचन मैम, मंजू मैम और यहाँ का तमाम स्टाफ, उसको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं बच्चों को ये शिक्षा दूंगी कि वो हर एक्टिविटी में आगे बढ़ते रहे, बलाते रहे। स्कूल सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत केयर करते हैं, माँ की तरह। एक टीचर क्या होती है, पहले माँ होती है फिर टीचर होती है, तो स्कूल में वो टीचर भी है, माँ भी है, बहन भी है, हर चीज़ का रोल अदा कर रही है टीचर, बहुत अच्छी है। मेरी शुभकामना है बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे, बस मैं यही गॉड ब्लेस यू बोलूँगा। सबसे पहले मेरा नाम कंचन झा है, मैं लिटिल फ्लावर स्कूल की प्रधानाध्यापिका हूँ। और फर्स्ट ऑफ यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है छोटे बच्चों ने किया, बहुत अच्छा किया है, उम्मीद से बढ़ के किया, बच्चों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। गलतियाँ निकालना ये ठीक नहीं है, तो बच्चों को और इनकरेज करेंगे ताकि वो आगे और भी अच्छा करे और अच्छा उनको आगे उनकी फ्यूचर अच्छी हो, हमारा यही कामना है।